कंधे मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो। इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी मानो कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो। मैं जब तारीख का मुताला करती हूँ तो खुद को कई बरस पीछे रख कर महसूस करके देखती हूँ जनाबे सदर, मैं देखती हूँ अजमो यकीन की तस्वीर, शहीदों के खून से लिखी हुई तहरीर, कायद के अंतक मेहनत की तस्वीर और इकबाल के ख्वाबों की ताबीर। मेरा पाकिस्तान लहू लहान, जब जुल्म ज़बर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे कदम पर रोशनी बनकर उभरता है तो उजल कर कहते हैं कि चंद माओ साल से ज्यादा कोई जम ना पाएंगे और दुनिया के नक्शे कदम से गायब हो जाएंगे। मगर आज तारीख मंजर देखती है कि ना सिर्फ हम अल्लाह के फजल करम से ना सिर्फ कायम और दायम हैं, बल्कि हमने अपनी जिद्दोजहद से साबित कर दिया जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। सदे अली बकार, हम हर मार्ग पर साबित कदम रहे और तरक्की की मंजिलें तय करते आगे आगे और आगे बढ़ते चले गए। हम जुर्रत बहादुरी में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फारूक की ललकार बने, हम नगागिरी में फिर दोसी, हम साज बने तो अवल शाह, हम सौज बने तो वारिस शाह, हम रक्स बने, हम वज बने, हम सच्चा सर मस्त बने, हम क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, स्कॉश में जहांगीर और जहां शेर बने। और जब बात मुल्क की हिफाजत और तालीम की आई तो हम मेजर अजीज भट्टी और मेजर तौफैल बने। और आज भी हमारी कौम दुश्मन को ये पैगाम देती है कि हम वो कौम है जो जैसे जबर मिटाती है, जालिम को मार भगाती है। हम तो आंख दिखाते हैं, हम तो से कब घबराते हैं, इकबाल ने भी फरमाया है हम तो से भी लड़ जाते हैं। सदे आली बकार, हम जिंदा कौम है और जिंदा कौम को अपनी आन बान और चांद की परवाह नहीं करती, परचम है तो हम है। जब परचमे जा लेकर निकले खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेके आज तलक जिल्लाद भी है गद्दारी है, किस ज़ुल्म में थे दुश्मन अपने, शायद उन्हें मालूम न था कि खाक वतन है जहाँ बनी और जहाँ तो सबको प्यारी है, और जहाँ तो सबको प्यारी है। शुक्रिया।